वेलकम टू दर्ड ओपिनियन खुश आमदी खवातन हजरात आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे जो है इन्तहाई दुख दे और एट द तो सेम टाइम इंटरेस्टिंग इश्यूज जो हैं इंडियन सब कॉन्टीनेंट में स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो वाकयात तो रूनमा हो रहे हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे तो पाकिस्तान में हाल ही में एक बहुत ही किस्म का वाक़ पेश आया है जहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट फैमिली जो है वो कार में स्टक हो गई और वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ आके तो कार तोड़ के जो ख़ातून थी उनको रेप किया और बच्चों को हरसाँ किया और ये सारे वाकियातरा तो आप देख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे ज़ाहिर है इस वाक्य की तफसी बयान करना ज़रूरी नहीं है लेकिन इसकी मजम्मत जो है वो करना ज़रूरी है और बार बार जितनी ज़्यादा इसकी मजम्मत कोई कर सकता है और उसे करनी चाहिए और मैं भी इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ कि इतना बड़ा गैर इंसानी किस्म का फ़ेल जो है वहाँ पे हुआ है कि जिस पे जितना अफसोस किया जाए और जिसको ऐसे वाकयात को, को मुस्तबल में रूनमा होने के लिए होने से बचाने के लिए जितनी ज़्यादा सोच व विचार की जाए वो कम है तो इस हवाले से मैं इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट एंगल से इस पूरे वाक्य को देखता हूँ इस वाक्य के अंदर पहली बात यह है कि ये जितना भी ट्रैजिक है लेकिन ये कोई यूनिक या अनुना वाक़ नहीं है दुनिया में ऐसे वाकियात होते हैं बल्कि इससे भी बयान किस्म के वाकियात होते हैं और ख़ुद पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे वाकत अगर आप गुजशत दो साल का ट्रैक रेकर्ड निकाल के देखें तो छोटी छोटी बच्चियाँ और इस तरह की जो है वो उनको रेप करके मारा गया जलाया गया यहाँ तक कि कब्रों से जो है वो मुर्दे निकाल के तो उनको रेप किया गया तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि दीवार पर लिखी होती है तो उसमें इस बात पर हैरान होना कि ये वाक्य कैसे हो गया इसमें मैं हैरान नहीं हूँ इज़ शॉकिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग लेकिन जो है इसमें हैरानगी की कोई बात है नहीं तो अभी इसको एक रियलिटी मान के तो हम ज़रा आगे चलते हैं तो मैं जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ हूँ इस वाक्य के हवाले से वो रिएक्शन है और रिएक्शन को आप मुख्त खानों में तकसीम कर सकते हैं उसका एक पहलू रिएक्शन का जो है वो पब्लिक का रिएक्शन है और जाहिर है कि पब्लिक हमेशा ऐसे मामलों पे बहुत रंजीदा होती है बड़ी नाराज़ होती है बड़ी गु़े में आती है जज्बाती होती है और ये पब्लिक ने ऐसे किया है उन्होंने बड़ा खुल के अपने जज्बा का अजहार किया दूसरी जो इसकी शक्ल है वो है जो वहाँ का इंटलेक्चुअल है विच वॉज़ रियली पज़लिंग एंड अनसेटलिंग फारी कि उन्होंने इसको ऐसे ट्विस्ट और ट्रेन दे के मुख्तु जावियों से इसको पेश करने की कोशिश की कि जैसे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहला रेप हुआ है और इस रेपस्ट को उनसे संद की ज़रूरत है कि उसने ये रेप किया क्यों किसी ने जो है वो इस्लाम का सहारा लिया अदीस और करान शरीफ से जो है वो मुख्तफ़रस निकाल के तो पेश करने की कोशिश की कि जी ये तो हमारे मुकदर में ही ऐसा है क्योंकि हम ऐसे बिगड़े हुए लोग हैं या कितने हमारे गुनागार लोग हैं किसी ने इसे अजाब लाई करार दिया किसी ने इसे मगरब की साजिश और किसी ने इसे जो है फाशी और उरियानी के उसमें रखे तो मैं जो मॉनिटर करता हूँ पाकिस्तान के न्यूज़ के एडिटोरियल पेजेस को उसमें मुझे एक भी कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें किसी ने एक गैर जानबदारी से और एक जो है वो जज्बात से ऊपर उठकर रियलिटी की बुनियाद पे जो है इस चीज़ की पे लिखा हो या कोई तजिया किया हो कि भाई इस तरह का वाक़ा जो है वो क्यों पेश आता है उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल या दूसरी जो है वो सोशल होती हैं इसके बजाय उन्होंने अपने अपने एंगल के ज़रिए जो है अवाम को बताने की कोशिश की कि चूँकि हम ये नहीं करते इसलिए ये होता है क्योंकि हम वो नहीं करते इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है तो ये है वहाँ का एक जो डिस्टार्टेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करता है वहाँ का एक दानश और क्लास तीसरा जो है वो इस पर रद्दमल जो है वो आता है वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का एक जो ऑफिसर और ऑफिशियल स्पोक पर्सन था लाहौर में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर उसने तो जो बयान दिया वो बाहर के लोगों को तो छोड़ें ख़ुद पाकिस्तानियों के लिए जो है इट वाज वेरी शॉकिंग चूँकि उसने जो है वो ख़ातून की पूरी ज़िंदगी उसकी लाइफ और हर चीज़ पर जो है वो सवाल उठा दिया कि खातून जो ख़ातून जो है वो घर से बाहर क्यों निकली उस हाईवे पे क्यों गई दूसरे पे क्यों नहीं गई गाड़ी में ये चेक क्यों नहीं किया पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया यानी जिसका मतलब ये है कि उसके सारे जो डिसीजन थे वो गलत थे और उन गलत डिसीजन की वजह से उसके साथ जो कुछ हुआ इन ए वे ये जस्टिफाइबल है दैट वाज स्टेटमेंट विच वाज सो डिसगेस्टिंग एंड सो शॉकिंग लेकिन उस पर भी आप रद्द देखें कि उसकी हमायत में सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का जो अपने आप को बहुत बड़े सिविलाइज्ड और प्रो पता नहीं क्या कहते हैं हकूक और ये और वो और ख़्वात उनका जो मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर है उसने इस पुलिस वाले की फ़ौर आमायत में कहा कि जनाब बात यह है कि उन्होंने जो बात की उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं पूरे पाकिस्तान में मतालबा हो रहा है कि ये ऑफिसर जो है इसने बहुत गलत बयान दिया इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़ जो डिसिप्लिन होता है डिसिप्लिनरी जो प्रोसेस होता है पुलिस के अंदर उसमें चलना चाहिए या कोई अदालत जो है उसका नोटिस ले या कोई सीनियर ऑफिसर उसका नोटिस ले लेकिन आज आलम यह है कि आधे से ज़्यादा मिनिस्टर ओपनली वहाँ पे बाहर निकले हुए हैं और वो ब्लंटली जो है उसकी सपोर्ट में जो है वो बयानत दे रहे हैं और कहते हैं कि जी उसने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया और इस वक्त तक इतने दिन गुजरने के बावजूद इस सिलसिले में जो है वो कोई पेशकदमी नहीं हुई ये आप देख लें कि पुलिस की जो एक वहाँ पे एक मैंटालिटी है चूँकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पुलिस जो है बाई द वे साइड बात है लेकिन मैं कह दूँ कि पाँच दुनिया की पाँचवीं बड़ी जो है बदतरीन पुलिस दुनिया में जो है उसमें ये है अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा कोई फतवा नहीं है ये आप जो है टू थाउजेंड सिक्सटीन का जो इंटरनेशनल पुलिस इंडेक्स है जो इंटरनेशनल साइंस एसोसिएशन और एकनॉमिक फोरम मिल के तैयार करते हैं क्रेडिबल किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अहदाद शमाप उठखा के देखें जिसमें उन्होंने जो पहले पाँच मुल्क हैं जिसमें सबसे नीचे जो है वो नाइजेरिया है और उसके बाद जो है वो कीनिया वगैरह इस तरह के ये सब सारान अफ्रीकी ममालिक हैं चार हैं और पाँचवा नंबर जो है वो पाकिस्तान का है एबिर है कि ऐसे मुल्क की ऐसी पोलिस से हम किसी खैर की तोक़ुँ नहीं रख सकते कि वो पुलिस ऑफिसर जो है लेकिन कोई इससे बेहतर बयान दे सकता था लेकिन इतना हाई रैंकिंग ऑफ़िसर की अगर मैंटालिटी ये है कि वो एक रेप विक्टम को ब्लेम करता है तो आम वहाँ के जो कांस्टेबल आपने देखे होंगे डंडा उठा के सड़कों पे जो घूम रहे होते हैं बेचारे गरीब अनपढ़ मोस्ट ऑफ देम और मैट्रिक से पीछे नीचे जो है उनकी तालीम होती है दूर दराज के इलाक़ों से आते हैं तो उनकी मैंटालिटी तो सीधी सीधी जो है वो एक अवाम दुश्मन और एक आ, औरत दुश्मन और इस तरह की मैंटालिटी ऐसी होती है जो एक मेल डामिनेटिंग सोसाइटी में है तो इस तरह की पोलिस में जब आपके पास ऐसे ऑफिसर हों और वो इस तरह के ब्लंट किस्म की बात करें ऑन कैमरा आके और आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सोसाइटी है जो डी जनरेटिव किस्म के प्रोसेस से गुजर रही है और उसको जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी चूँकि ये इसको कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ कि आपके मिनिस्टर्स आपके पुलिस ऑफिसर्स आपके दानश्वर वो सारे मिल तो ये बिलीव करते हैं दिल से कि ये विक्टम का कसूर है जो अपने घर जा रही है अपनी गाड़ी में बैठ के और ये उस जस्टिफिकेशन देते हैं दूसरे अल्फाज में रेपिस्टों को तो ये एक चलें लंबा टॉपिक है लेकिन इस हवाले से थोड़ा सा आप रिएक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बड़ी चीज़ें जो हैं जब इस तरह के ट्रैजिक वाक्य होते हैं किसी भी नेशन में तो उससे फिर उस नेशन की पूरी मैंटालिटी बाहर आती है कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं दानश्वर क्या लिख रहा है साफ़ी क्या लिख रहा है तज्जिया कार क्या बोल रहा है तो इस चीज़ों से उनका फिर सारा जो है ना एक अंदर की चीज़ जो है वो बाहर आती है और मैं समझता हूँ कि इट वॉज़ वेरी शॉकिंग जब ये बाहर आनी शुरू हुई यही बात जाके प्राइम मिनिस्टर तक गई जब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस पर रिएक्ट किया दैट वॉज़ रियली समथिंग यानी उन्होंने जितनी बातें कि अब आई एम नाट कंसर्न अबाउट उनकी जो इंटेंशन क्या थी या जिस तरह के वो बेशतर मामला में कोई बयान दे देते हैं और इनफैक्ट उनका इस बात पर यकीन नहीं होता इस बात पर मैं नहीं जाता लेकिन जो चीज़ उन्होंने टेबल पर रखी सामने पब्लिक के सामने दैट वॉज़ रियली वेरी शॉकिंग उन्होंने इस मसले को देखा इस तरीके से और उन्होंने इसको किस तरीके से देखा कि वही रवायती जो आज से तकरीबन यूसा मिलें दो सौ साल पहले दुनिया ये समझती थी कि अगर आप कोई बहुत ही घटिया किस्म का गनावनों किस्म का जुर्म करते हैं तो आपको इस कदर इब्रतनाक सज़ा जो है वो दी जाए कि ताकि आप जो है वो आ, उसको आपको देख के तो बाकी लोग इबरत पकड़ें यानी वो जो सज़ा और जजा की जो जुर्म सज़ा की थूरियाँ हैं प्यूनेटिव और रिस्टोरेटिव प्यूनेटिव थ्योरी जो थी वो 200 साल पुरानी थ्योरी है जिसमें यह था कि आप लोगों को सज़ा देंगे सख्तियाँ करके सज़ा में तो आप जुर्म रोकें दूसरी थी रिस्टोरेटिव थ्योरी जिसमें यह था कि लोगों को आप सज़ा पे जोर दे के तो राय रास्त पे नहीं ला सकते बल्कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिर्फ़ सज़ा जो है वो किसी को जुर्म करने से ना रोक सकती है और ना उससे उसकी वजह से डर के तो लोग वो जुर्म जो है वो कम कर देते हैं ये हमने हिस्ट्री में देखा है कि कदीम यूनान की रियासतों से लेके तो जितने ये एदवार गुजरे हैं मुखलिफ़ सुल्तनतें हुकूमतें इन सब में ये बड़ा एक कीन स्टडी का एक मौजू रहा है जुर्म सज़ा का मौजू ची रियासत की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसमें सबसे बुनियादी जिम्मेदारी अपने अवाम के जान व माल का तफज है तो इसलिए ये नंबर वन सब्जेक्ट हमेशा सा रहा है जो कि आज भी हमारे सामने इस तरह का जो चीज़ें मौजूद हैं तो इमरान ख़ान साहब ने यह कहा कि जनाब ये जो जुर्म हुआ है इसमें अगर हम इस आदमी को सरे आम फांसी पे नहीं चढ़ा सकते सरे आम फांसी यानी खम्भे पे लाश लटका दें या किसी चौक में तो फिर हम इसको केमिकली जो है वो कास्ट्रेट कर सकते हैं काम केमिकली या सर्जिकली उन्होंने सर्जिकल का लफ्स इस्तेमाल किया केमिकल का गालिबन नहीं और अगर किया भी हो तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं इन मानों में कि उनका मकसद ये है कि दवाई के, के ज़रिए बंदे को सेक्शुअली डिसफंक्शनल कर दिया जाए मे बी मेन गहमी के लिए एंड सैड सर्जिकली लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है और जो अब मेरे लिए एक बड़ा पिकी पॉइंट बनता जा रहा है उन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ा है अब ये जो उनकी पढ़ने की बात है ना इस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि पढ़े हुए तो ऑक्सफोर्ड से हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के लोगों की वजह से ऑक्सफर्ड डिस्क्रेडिट होता जा रहा है और ऑक्सफोर्ड को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी एडमिशन पॉलिसीज़ में सिर्फ लोगों को खेल की बुनियाद पर ही अगर भर्ती करते रहे या पैसे के बुनियाद पे पर एडमिशन देते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑक्सफोर्ड भी हमारी किसी यूनिवर्सिटी की तरह जो है उसका भी नाम बन जाएगा तो इस हवाले से लेकिन उन्होंने कहा मैंने ये कहीं पढ़ा है तो मैंने बड़ी रिसर्च की कि आखिर इनका जो ये इस तरह की किताबें ही क्यों पढ़ते हैं हमारे खान साहब कि जो पोलिटिकली इनक्रेक्ट और डिस्टार्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन उनको हमेशा मिलती है और ऐसा उनका एक नुकता नज़र होता है जो घुमा फिरा के तो एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट का नुक़ँ नज़र बन जाता है जिसका दिल जो है वो बिल्कुल दाढ़ी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है बाहर से वो क्लीन शेप है चूँकि मैंने देखा कि हर पॉइंट पर जाके तो अल्टीमेटली उनकी पोजिशन जो है वो जाके एक राइट विंग फंडामेंटलिस्ट जो है किस्म की आदमी की राय जो है वो बन जाती है इस हवाले से मैंने देखा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बड़ा क्लियर था कि पहली बात है कि शख्स जो है सज़ा दी जाए और फांसी चढ़ाई जाए हालांकि ये बहुत ही प्रीमिटिव और इसका जो है एक तवर था और अगर उनने कोई किताब पढ़ी या फिर उनको जो बंदा किताबें रिकमेंड करता है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है एक, एक मिसगैड आदमी है या फिर जो है वो अगर इंटरनेट सर्च करते हैं तो गूगल का प्रॉब्लम ये है कि गूगल में मालूम जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें से जो दुरुस्त मालूम है उसको गलत मालूम से अलग करना भी एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मजद कहीं ज़्यादा रिसर्च की और स्टडी की ज़रूरत होती है तो अब उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ ए कंट्री जब आप इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएँ पहली बात यह है कि ये सरेआम फांसी देना अब रेप के हम भी इतने ही खिलाफ़ हैं जैसे इमरान ख़ान है और हम समझते हैं कि कोई आदमी रेप करता है किसी को वाइलेट करता है हरास करता है सेक्शुअली किसी तरीके की कोई एडवांस करता है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए सख्त की सख्त लेकिन ये कहना कि उसको आप जो है वो खंभे पे लटका दें या फांसी चढ़ा दें सारे आम किसी चौक में तो इसके लिए देखें दुनिया में एक रूल है एक यूनिवर्सल डेक्लेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको यूनाइटेड नेशन ने के पास है और जिसको पूरी दुनिया ने रेक्टीफाई किया है आई डोंट नो येट ए सिंगल कंट्री इस दुनिया में जिसने कि उस यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है वो तस्लीम ना किया उसमें यह वाज तौर पर लिखा हुआ है कि क्रूल और अनयूजल पनिशमेंट जो है वो किसी कंट्री को और पाकिस्तान ने ये जो इस पर कन्वेंशन हुए हैं या प्रोटोकॉल है उसको उन्होंने साइन किया हुआ है कि क्रूल और अनयूजल पनिशमेंट जो है वो किसी को नहीं दी जा सकती अब मैं तो चूँकि ऑक्सफोर्ड में उसमें पढ़ा नहीं हूँ लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक मेरा बड़ा दस्तरस है उसमें आप ये दो लफ्ज़ उठा के पढ़ें कि इमरान ख़ान साहब ने उर्दू ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उनको चौक में लटका दिया जाए सारे आम लटका दिया जाए वो अनयूजअल भी है चूंकि यूजअली वी डोंट डू देथ और क्रूल भी है चूँकि इसको आप किसी तरीके से रहम दिलाना नहीं कह सकते अगर अंग्रेज़ी में इतना एक किसी को शक है तो वो जाके दो चार डिक्शनरियाँ जो हैं उसको कंपेयर करके देखे तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैंने पढ़ा अब उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा है कि कुछ मुल्कों में ये सज़ा ऑलरेडी मौजूद है जो कि वो देते हैं ये बात पोलिटिकली करेक्ट है आ, लेकिन इसका जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए सिर्फ गूगल काफ़ी नहीं ना उसके लिए फिर आपको पीछे जाके कानून देखना पड़ता है उस मुल्क का वो इन्वायरमेंट देखना पड़ता है जिसके अंदर वो सज़ा बनाई गई उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी पड़ती है कि उसकी शक्ल क्या है और ये देखना पड़ता है मेडिको लीगल ओपिनियन आप जिसको कहते हैं कि केमिकली कास्ट्रेट करने में और सर्जिकली कास्ट्रेट करने में फ़र्क क्या है और क्या ये मसले का हाल है जिस मुल्क की उन्होंने मसाल दी वो है मालडोवा जो कि रूस के साथ एक रियासत है जिसने टू में जो है वो ये कानून बनाया था ये कानून भी उन्होंने बनाया था सिर्फ बच्चों के लिए अंडर थर्टीन जो चाइल्ड सेक्सुअल असल्ट है तो उनको उन्होंने बनाया था कि सेक्सुअली डिसफंक्शनल करें अभी इसकी तरफ मैं आऊँगा कि सेक्सुअली डिसफंक्शनल करने की कितनी किस्में और तरीके हैं और उसमें से कौन कौन से हैं जो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं इवन मेरे जैसे आदमी के लिए भी जो ह्यूमन राइट्स पर अनकंडीशनली बिलीव करता है लेकिन उन्होंने खुद पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बनाया और बनाने के सिर्फ़ एक साल बाद ालिबा उसको उन्होंने हटा दिया और उसकी वजह ये थी कि वो आ, यू, बेसिक ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स से मुतदम था उनको इंटरनेशनली इस प्रोटेस्ट हुआ उनको बताया गया फ्राम यूनाइट नेशन टू तो डिफरेंट दे वर डीलिंग इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज़ तो उन्होंने उनको बताया कि ये इन ह्यूमन है और एट आर्ट्स विद दी फंडामेंटल राइट्स तो उन्होंने उसको रिपील किया अब ये मिसाल उन्होंने दी किसी ने उनको बता दिया कि मालदोवा ने यह कानून बनाया था लेकिन ये नहीं बताया कि बाद में हटा दिया था दूसरी तरफ जो है वो अमरीकी रियासत जो है एक मेरे ख़्याल में अलबामा या कौन सी है एक रियासत है जिसके अंदर ये कानून मौजूद है और उस कानून को बड़ी डिबेट के बाद वहाँ पे इसी तरह चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से रेप के हवाले से बनाया गया लेकिन उसमें जो तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया दैट इज़ टोटली डिफरेंट जो कि इमरान साहब बता रहे हैं उसमें तरीक़ा वो ये है कि उन्होंने कहा कि जज ये डिसाइड करेगा कि एक रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको अगर रिलीज़ किया जा रहा है कंडीशन ये है रिलीज़ किया जा रहा है ये नहीं कि वो जेल में है उसको अगर पैरोल पे या बेल पे रहा किया जा रहा है तो जज ये डिसाइड कर सकता है कि इसको आप केमिकली एक इंजेक्शन जो है हारमोन का वो दें जिसकी वजह से ये सेक्शुअली डिसफंक्शनल हो जाता है फॉर द टाइम बेंक यानी उसे वो उसकी जो सेक्सुअल जो उसकी ड्राइव है या उसकी सलाहियत है वो फार एवर डैमेज नहीं होती बल्कि फॉर द टाइम बीइंग वो हार्मोन जो है उसको कम कर देता है जिसकी वजह से बाद में फिर दोबारा वो इंजेक्शन उसको लगाना पड़ता है और ये फाइनली जज डिसाइड करता है कि कब तक ये इंजेक्शन इसको कंटिन्यूसली लगाया जाता रहे जबकि ये बिल्कुल एक सेफ़ शख्स बन के सोसाइटी में रह सकता है वो एक तरह की ट्रीटमेंट है आल दो के मैं उसके ख़िलाफ़ भी हूँ चूँकि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो विदाउट कंसेंट नहीं होनी चाहिए चूंकि ये भी यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमने दुनिया में तस्लीम किया हुआ है कि अगर कोई आदमी कंसेंट नहीं करता और वो सैन माइंड है सैन माइंड शख्स जो है वो अगर कंसेंट नहीं करता अपनी किसी ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट को तो आप वो ट्रीटमेंट उसको नहीं दे सकते ये ह्यूमन राइट से मुस्तम है ज़रूर लेकिन उसका जो तरीक़ाकार उन्होंने पेश किया जिस तरीके से वो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ए सर्जिकल प्रोसीजर टू डिस उसको डिसफंक्शनल बनाने के लिए ये ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ बैल जो है उसके टेस्टिकल कार्ड देते हैं सर्जिकली ये तो इमरान खान ने जो बात की वो है उन्होंने लव सर्जिकल यूज़ किया और इससे मुझे वो बैल याद आते हैं सारे जो इंडियन सब कॉन्टीनेंट में आपको गली मालूम में घूमते हुए नज़र आएंगे जिन्होंने उनको सर्जिकली सेक्शुअली डिसफंक्शनल किया होता है तो इससे ज़्यादा इन ह्यूमन आइडिया किसी के जहन में क्या आ सकता है कि आप उसको इस तरीके से जो है मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बैल के बारे में भी ऐसे सोचते हुए लोग बड़े जो है वो एक तरीके से सैड फील करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं लेकिन ये एक नेसेसिटी है तो आप अगर ह्यूमंस के बारे में ये सोचना शुरू हो जाएं जो कि कोई आदमी कितना गुनाह ना जुर्म क्यों ना करे वो स्टिल ह्यूमन रहता है ये जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना ये दरिंदे और डंगर और फलां फलां ये दरिंदे वरिंदे तो हमने ऐसे बदनाम किए हुए हैं दरिंदे बेचारे कुछ भी नहीं करते ये जो इतने भी काम हम लोग करते हैं हमसे बड़े दरिंदे और कोई नहीं है लेकिन हमने जो है वो ब्लेम गेम उन पर रखी हुई है कि जी ये दरिंदगी है तो जाहिर है कि दरिंदगी ये बिल्कुल है दरिंदगी का अमल है लेकिन आदमी तो फिर भी आदमी ही रहता है जाहिर दरिंदा नहीं है उसका अमल जो है वो दरिंदगी का है लेकिन अगर रियासत उससे बड़ी जिंदा बन जाए तो इसका मतलब ये है कि जो एक्ट उस बंदे ने एज ए इंडिविजुअल एज ए मिसगैड पर्सन एज ए जो है वो एक खौफनाक आदमी कह लें उसको जो नाम आप दे लें, किया है वही काम रियासत करे कि रियासत पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर तशद करे मेडिकली या सर्जिकली या उसको उल्टा लटका दे या उसको जो है वो सर्जिकली जो है उसके अज़ा जो हैं वो रिमूव कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों फिर इक्वल हो जाते हैं फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता यही होता है फ़र्क जो है वो रियासत में और आम आदमी में यही वजह है कि रियासत जो है उसके पास ऐसे ज़रा होते हैं ऐसी सोच होती है और ऐसे अंदाज होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करके तो ऐसी चीज़ों को रेटिफाई करती है अब यहाँ तक सवाल है कि चलें जी ये तो इन ह्यूमन हो गए अनयूजल हो गए अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की सजाएँ तजवीज़ करेगा तो जाहिर है यूरोपियन यूनियन के साथ बाकुल ख़ुद उनके जो उनकी मंडी में मरात हासिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इसलिए वायद वजह यह है कि हम यूज़ नहीं कर रहे वरना हम इतने खौफनाक और दरिंदगी कर सकते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन हमें ना ड है कि हम तुम्हारी जो है वो सामान यहाँ नहीं आने देंगे तो हम ये करने पे तुले हुए हैं तो इसका देखें इसकी फिर अगली जो एक्सप्लेनेशन है वो कितनी ज़्यादा जो है वो डिसगस्टिंग है लेकिन असल फ़लसफ़ा जो हुआ है जिसपे मैं बात कर रहा था कि पढ़ा लिखा होने की या जो किताब उन्होंने पढ़ी कि इसमें जब ये एक चीज़ जो है अब इस पर बहस ही कोई नहीं है कि सख्त सजाएँ दे के तो आप किसी जुर्म को रोक सकते हैं इसके बरस अब जो मॉडर्न थ्योरी और ख़्यालत हैं उसमें ये है कि आप सज़ा का और मुजरमों के साथ डील करने का जो आपका ओल्ड मॉडल है उसको चेंज किए बगैर आप जराम पर काबू नहीं पा सकते आप जितने मर्ज़ी जो है वो लटका दें जितने मर्ज़ी सख्त सज़ाएँ दे दें उसमें आपके जुर्म जो हैं वो कम नहीं होंगे जराइम की शरह इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ता हूँ कि आप यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका को और नारवे को या ये स्कैंडिनेवियन दो तीन कंट्रीज़ जो हैं फिनलैंड हो गया नारवे हो गया इनको आप कंपेयर करके देखें पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग इस आर्गूमेंट में कहते हैं जी वो तो छोटे छोटे मुल्क हैं आबादी कम है तो अर्ज ये है कि हम जब भी इनको कंपेयर करते हैं तो हम उसमें से नस्बत तनासब निकालते हैं कि मसा एक मुल्क की आबादी एक मिलियन है तो उसमें जुर्म की जराम की शरह क्या है और जाहिर है अगर वही आबादी जो है वो बीस मिलियन होगी तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए ये फ़र्क नहीं होता अब जनाब ये यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो अब भी ऐसे लीडिंग मुल्कों में शुमार होता है जो सख्त सजाओं पर यानी प्यूनेटिव थ्योरी पे लगा हुआ है बाज़रे अस्तों में भी और कहीं फेडरली भी और जाहिर है कि यूरोप के मुकाबले में या स्वीडन और नार्वे वगैरह के मुकाबले में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जस्टिस सिस्टम है वो बहुत हद तक क्रूल आप उसको कह सकते हैं उसमें बहुत सारी नाानसाफ़ियाँ भी होती हैं उसमें बहुत सारे मकदम आप अगर उठा के देखें तो सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ बेगना लोगों को सजाएं हुई हैं चालीस चालीस साल कैद काटने के बाद जो है वो जजेज़ ने ख़ुद अपने कलम से उनको बेगना करार दे के बाहर निकाला है दिस इज़ वेरी कामन थिंग हैपनिंग there तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि तरक्की याफ़्ता दुनिया में दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क और डेमोक्रेसी होने के बावजूद उसके जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़े फ्लाज हैं लेकिन उसका जो है आइडिया वही है जो इमरान ख़ान साहब का है कि उल्टा लटका दो फांसी चढ़ा दो फांसी की सज़ा पे आप देखें यूनाइट स्टेट ऑफ अमरिका हालांकि यूरोप अब जो है उन मुल्कों से तजारत तक नहीं करता जिन अंदर फांसी की सजाएँ हैं तो इस हवाले से आप देखें कि अगर सख्ती से जुर्म रुकते तो क्या शरह है जराम की इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और क्या शरह है जराम की इस वक्त जो है वो नार्वे में मसलन में आपको एक मसाल देता हूँ कि ये तो स्कैंडिनेवियन मुल्कों में से बाद मुल्कों में और नारवे में इक्कीस साल मक्सीमम सज़ा किसी भी जुर्म की अगर आपने बीस कत्ल किए हुए तो ज्यादा से सज़ा ना आपको फांसी होगी ना उम्र कैद होगी ये दो सज़ाएं हैं ही नहीं विच इज़ एक्सट्रीम पूरी दुनिया में देख दो है ना कि एक कुछ सज़ा दे दी आपने फांसी की या उम्र कैद की वहाँ इस तरह के जराइम की ज्यादा ज़्यादा जो सज़ा है वो इक्कीस साल है और जज अगर चाहे इन एक्स, एक्सेप्शनल केसिस में तो जजिस उनमें कुछ इजाफा कर सकते हैं लेकिन ये इतनी कम सज़ा क्यों है कि ये बहुत लम्बे अरस से नाइनटीन सेवेंटीज से जो है नार्वे ने जो रास्ता इख्तियार किया रिस्टोरेटिव रिफार्मिस्ट आप इसको कह सकते हैं कि कैदियों को जो है वो मारने उनको जलील करने और उनको मज़ीद जराइम पर मजबूर करने के बजाय उनको उनकी असलाह की जाए और उनको दोबारा जो है वो सोसाइटी का एक यूज़फुल मेम्बर बनाया जाए इस मकसद के लिए उनकी एक पूरी पॉलिसी है जिसको उन्होंने अपनाया और उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया में सबसे कम जराइम जो है वो नारवे में है जबकि उसके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप जरा की शरह देखें तो ये दो मॉडल आप अगर कंपेयर करेंगे तो इज़ नॉट जस्ट टू इसको 20-20 मुल्कों से मैंने कंपेयर करके देखा है जो रिस्टोरेटिव और प्यूनिटिव सज़ाओं पे बिलीव करते हैं तो उसमें नंबर्स बिल्कुल इसी तरह अकली सबूत के तौर पर आते हैं कि सजा के बजाय आप अगर असलाह की तरफ बढ़ेंगे और बंदे पे तरबियत करेंगे उसको ऐसा माहौल जो है वो फ्राहम करेंगे कि वो अपने काम पे शर्मिंदा हो तो ये उसकी ज़्यादा मदद है ये ज़्यादा मदद इसलिए है कि एक तो इसकी वजह से वो दोबारा वो जुर्म नहीं करेगा और दूसरा उसकी वजह से सोसाइटी में जराम की शरह जो है ओवरऑल वो, वो कम हो जाएगी अब इसी बात पर के साथ जुड़ी हुई जो तीसरी बात खान साहब ने कही वो ये कहे कि जी ये जो फाशी और रूरिया है इसकी वजह से ये हो रहा है तो अगर हमने अपने माशरे को बचाना है तो इसको की माशरा हमारा है तो इसको हम हॉलीवुड से बचाएं और उन्होंने मसाल ये दी कि देखें जी दिल्ली में जो है वो फाशी और हरियाणानी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से वो रेप कैपिटल बन गया है अब ये दोनों चीज़ें जो है, ये हैं ये पोलिटिकली हैं और ये काफ़ी जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि हैर सेन आदमी जो है वो बड़ा एतराज़ कर सकता है पहली बात ये है कि ये हम सब को पता है कि दुनिया के जितने मज़हब तरक्की याफ़्ता और तहजीब याफ्ता मुल्क हैं उसके अंदर ये चीज़ जिसको हम फाशी और उरियानी कहते हैं ये दोनों लफ्स जो है अरबिक पर्शियन के लफ्स हैं ये नाम का कोई लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे जो है वो आज़ाद मुल्क हैं और इनके अंदर जो है लिबास पहनने या ना पहनने का इख्तियार जो है वो अवाम को हासिल है इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुख्य मुल्कों में कोई डीपली कंज़रवेटिव कंट्री है या हिस्सा है या कहीं पे ज़्यादा जो है वो रिलीजस रिलीजसली मोटिवेटेड कम्यूनिटीज़ ज़्यादा हैं कुछ इस तरह की चीज़ है तो उन्नीस भी इसका फ़र्क है जिसको आप न्यू डेटी के हवाले से कुछ कानून कह सकते हैं कि इस बीच पे ये नहीं हो सकता या उस पे यो नहीं हो सकता लेकिन ओवरऑल एक वेस्टर्न सोसाइटी जो है जो कि एक वसी सोसाइटी है तो उसके अंदर मुख्तलिफ इसके रंग हैं लेकिन अक्सर जगहों पे ये है कि लोग लिबास के मामले में उसको उस, उस नज़र से नहीं देखते हाँ आप बीच पर जाएँ तो लोग जो है वो न्यूड हालत में ए, पाए जाएंगे और बड़ी तादाद में पाए जाएंगे और सालों सदियों से पाए जाते हैं तो अगर जो है वो फाशी और रुरी रेप का सबब बनती तो आप मुझे ये बताएंगे वो कौन सी बीच में लास्ट टाइम आपने सुना था या पढ़ा था कि कोई रेप हुआ है कौन सी बीच और ये मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न बीचेस जो हैं और वेस्ट की जब मैं बात करता हूँ इस मकसद के लिए तो वो आप लातिन अमेरिका और साउथ अमेरिका से ले तो यूरोप तक जो है वो जा सकते हैं और आस्ट्रेलिया तक तो ये लाखों की तादाद में लोग जो बीचों पे लेटे होते हैं या न्यूड जो बार्स हैं उनमें बैठे होते हैं नाइट्स क्लबों में होते हैं ये जो स्ट्रिप क्लब्स हैं जिसका मतलब ही जो है वो कपड़े उतारना है इस तरह की जगहों पे होते हैं तो यहाँ आपने कितना सुना कि यहाँ पे जो है रेपस्टों ने को हमले किए हैं या रेप की वारदातें हुई हैं इक्का दुक्का वाक़ दुनिया में हर जगह होते हैं ये पोलिटिकली टोटली इनकरेक्ट बात है एक और दूसरा जो है वो इस एक बीमारी को रेप करना एक बाकायदा एक नफ्सियाती और एक एंटाई सोशल एक एक्ट एक है उसको आप उस तरीके से देखेंगे ये बंदा एंटाई सोशल है इसलिए ये हरकत कर रहा है बजायज़ इसके कि आप इसका जवाब ये पेश करेंगे चूँकि खुतिन ने कपड़े आपकी पसंद के नहीं पहने हुए तो इसलिए जो है ये काम हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ऐसी बहस है जो आज से 20-25 साल पहले जब हम फर्स्ट ईयर में होते थे उस वक्त होती थी एक ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए कि एक आदमी दलाइल देता है कि क्या इसे न्यूडेटी से या फाशी से जो है वो इंसान के जज्बात जो हैं वो इश्त्याल में आते हैं और वो रेप करने में मजबूर होता है एक सेहतमंद आदमी जो औरत की इज़्ज़त करता है और सिविलाइज्ड आदमी है उसको किसी न्यूडेटी से किसी फाशी से किसी और से उसको किसी को रेप करने का ख्याल तक नहीं आता उसके जहन में लेकिन एक आदमी जिसके दिमाग में गंद भरा हुआ है या वो जो है उसका नफ्सियाती तौर पे वो एंटाई सोशल पर्सन है या वो डामिनेंस और गालब आने और ताकत के इस्तेमाल का जो है कि बीमारी में मुबतला है तो और बीमारी से मरात यहाँ मेरी आरगज ये नहीं कि उससे उसका कोई इलाज किया जाए बल्कि मेरा मतलब अजलानत में मबला है तो फिर वो आदमी जो है उसको आप फाशी या में असर हो या ना हो वो अगर कुरान पाक और इसकी मैं आपको मसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो मस्जिदों के मौलवी जो हैं मस्जिद के अंदर बच्चों को रेप करते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका लिबास का या ख़्याल का या आज़ादी का इससे क्या तल्लक है हमारे जो रूलिंग एलीट है इसका प्रॉब्लम यह है कि ये अवाम की आज़ादियाँ छीनने उनके ऊपर पाबंदियाँ मसलत करने और वहाँ पे एक कन्ज़रवेटिव सोसाइटी क्रिएट करने के बहाने की तलाश में होती हैं और जब कभी कोई ऐसा वाक़ा होता है तो वो नंबर बनाने के चक्कर में जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं कि पाकिस्तान की हाईली कन्ज़रवेटिव सोसाइटी और मिसगैड किस्म की पब्लिक ओपिनियन जो है उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करने के लिए इस इनतई डेलीकेट वाक़े को जो है वो इस तरीके से बना के पेश कर रहे हैं ताकि उनके वोटों में इजाफा हो और ज़ाहिर है कि ये एक साइकिल है जो वहाँ पर चल रहा है एक मुदत से चल रहा है विशसाइकल जो मुख्तु किस्म के जो है वो मुतलिकान किस्म के पॉलिटिशन और इस तरह के पापुलिस्ट लोग जो हैं वो यूज़ करके तो अपने जो है वो नंबर बनाते हैं लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को देखें और ग़ौर से देखें तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट कहानी है कि एक तो हमारे यहाँ ये मसाइल हैं पूरा इंडिया पाकिस्तान दोनों में ये मसाइल हैं और इस हवाले से मुझे कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता इंडिया और पाकिस्तान की सोसाइटी में कि चूँकि लोग बुनियादी हिस्टारिकली और साइकोलॉजिकल मेकअप जो है उनकी सेम है लेकिन इंडिया में जो ओपननेस है जो डेमोक्रेसी है और जो वहाँ पे एक सोशल एक धारा खुल रहा है उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है और बिलाकर पड़ेगा चूँकि रास्ता यही है कि जितना ज़्यादा इसका हाल की तरफ मैं आते हुए कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप लोगों को आज़ादियाँ देंगे उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ को एजुकेशन जब बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो इकट्ठे बैठ के तो एक दूसरे को बराबरी की बुनियाद पर और एहतराम की बुनियाद पर उनको डिवेलप किया जाए और उनको बताया जाए कि आप लोगों के दरमियान रिश्ता क्या है और सोसाइटी में आपका रोल क्या है और ये सारी जो एजुकेशन है उसमें साइकोलॉजिकल एजुकेशन सेक्स एजुकेशन और इस तरह की दूसरी जो है वो इवन रिलीजस एजुकेशन भी जो है उसकी रोशनी में उनको बताया जाए कि और माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बचपन में ये बात बताएं कि किसी को रेप करना किसी के बारे में रेप करने के बारे में सोचना किसी को सेक्शुअली हरास करना सेक्शुअली टच करना उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो आप उसको गनाह कह लें अपनी मजहबी जबान में या जुर्म कह लें कानून की जबान में जो आप मर्जी कह लें लेकिन जब तक हम ये एजुकेशन का प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे विक्टम को ब्लेम करने के बजाय औरतों और को परदों में छुपाने के बजाय और उनके गिर्द इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करने के बजाय हम मर्दों को समझाएँगे कि वो जो है वो इंसान बनें उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकता ये सज़ा आप जो रख लें किसी को उल्टा लटका दें या किसी का जो है वो सर्जिकली जो है वो डिसफंक्शनल कर दें तो आज की ये गुफ्तगू मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हाफिज़